अपने टच करने के मौका इस वक्त दी गई है निशन मस्तान जमशेदपुर। बेहद खूबसूरती से ये मैच चलते हुए मैदान के अंदर कड़ाके की ठंड जो है लगने वाली है थोड़ी थोड़ी, और इस दिन के उजाले को कोहरे स्वरूप एक चादर है पूरी तरह से अपने चादर में ढकने की कोशिश। खेत खलिहानों के बीच पहाड़ पर्वतों और नदी झरनों के बीच प्राकृतिक की सुंदर गोद पर बसे हुए छोटे से सुंदर गांव कल्याण मंच बूढ़ीवाड़ा, और ये भी बताते चलो कल्याण मंच बूढ़ीवाड़ा के ऐसे मंच है ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां तक अगर आप जानकारी रखते हैं इसलिए हो जाइए तैयार। बाजा बंद करिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, खेल के शुरुआती क्षणों में शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए फिर से दोबारा किस्मत ने साथ छोड़ा, यहाँ पे गोल मारने वाली टीम का नाम बताइएगा मुंडा जी। इस वक्त इस टीम के आन बान और शान कहे जाने वाले कोहिनूर हीरे की तरह चमकती हुई चमचमाती चेहरों के साथ आप हैं कृष्णा बोदरा जर्सी नंबर 11 फ्रॉम एजे बर्दस्त बीगोड़ा। तो क्या थोड़ी सी खात लगाने के कोशिश इस वक्त दी गई है मिशन मुस्कान जमशेदपुर। इस लंगराते कदमों के साथ रेस में अभी तक बनी रही है, तो क्या रेस जीत पाएगी एक एक की बराबरी पर? बिल्कुल आपने सही फरमाया, आपने सही फरमाया, सादा शॉट डायरेक्ट करने का प्रयास बराबर एक छोटे की बढ़त बनाने के बाद काफी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है, लेकिन विपक्षी टीम जो है विपक्षी टीम आपको हताश नहीं होना है क्योंकि बहुत पुराना शायर है, बुझी हुई सम्मा फिर से जल सकती है, डूबी हुई कश्ती सफर तय कर सकती है, हिम्मत न हारना दोस्त मायूस न होना, ये किस्मत शानदार शॉट यहाँ पर 160 किलोमीटर की रफ्तार से। कहा गया है दोस्तों बुझी हुई सम्मा फिर से जल सकती है, डूबी हुई कश्ती सफर तय कर सकती है, हिम्मत न हारना दोस्त मायूस न होना, ये खेल किस्मत का है और किस्मत कभी भी रंग बदल सकती है, ध्यान में रखना दोस्त। चलिए जटाराम जी, चलिए इस वक्त मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगा एजे बर्दस के तौर पर एक अर्ज करना चाहूंगा कि तलब थी मुझे एक खोट की, तलब थी मुझे एक खोट की, सारे समंदर मेरे प्यास बुझाने आ गया, एक स्कोर की आवश्यकता यहाँ पर थी लेकिन अनायास दो स्कोर अपनी छोली पर। शुरुआती लम्हों में एक धमाकेदार वाले एंट्री भाई ट्रेलर बहुत ही जबरदस्त है, और कहीं ना कहीं टीम के आन बान और शान और करता धरता क्योंकि कप्तान कृष्णा बोदरा सीना तान के चले हैं, अब तक के दो स्कोर अपनी झोली में भर पाए हैं। और नॉकआउट जगत अगर जानकारी आपको है, अगर नहीं भी है मैं बताते चलूँ, दो स्कोर जो आपकी जीत को पूरी तरह से सुनिश्चित करती है। तो मुझे लगता है तीसरी गोल की तलाश में वो प्यास अब तक बुझी नहीं है, भूख मिटी नहीं है इस वक्त सीकेटी की टीम के लिए। जरा सतर्क रहिएगा, महाभारत और रामायण के इतिहास में ये देखा गया है अहंकार में तीन गए
धन वैभव और वंश ना माना तो देख लो भैया, रावण कौरव और कंस। कहीं आपकी गलत फहमी का शिकार ना हो कि हमने दो गोल दाग दिया है, हम सिकंदर है कल्याण मंच बुढ़ी घोड़ा के, ये गलत फहमी का शिकार ना बने। क्योंकि कहा गया है दोस्त, अहंकार में तीन गए धन वैभव और वंश, ना माना तो देख लो भैया रावण कौरव और कंस। जी हाँ भद्रा जी, आप खेल से जुड़िएगा, दर्शकों को खेल से जोड़िए। कृष्णा के पास गेंद, अपनी बांसुरी की धुन में क्या पावरफुल शूट आउट यहाँ पर आए तो बा दर्शक दिखा में 180 किलोमीटर रफ्तार से ये शॉट लिया गया था, हाई अटैक बम्पर शॉट जिसे कहा जाएगा, उसको सेट करते हुए गोलकीपर। जी हाँ भद्रा जी, नाम याद रखना, चेहरा याद रखना, लंबे कद काठी के ऊर्जा से भरपूर वो खिलाड़ी टीम के कप्तान कृष्णा बोदरा, जर्सी नंबर 11, पूरी तरह से मजबूत उसकी टीम की इंफ्रास्ट्रक्चर, टीम की खंभे जो नींव है पूरी तरह से मजबूत हो चुकी है और कहीं ना कहीं दूर दूर तक उम्मीद की किरण नजर नहीं आती, जिस तरह से उम्मीद पर पूरी दुनिया कायम है और इसी उम्मीद के बलबूते इस टीम को पुनर्जीवित करने की पूरी जोर शोर से प्रयास जमशेद ने। और जी हाँ, खेल की दुनिया से बाहर निकलकर हम एक बार कमेटी की दुनिया में जाना चाहेंगे, अनावश्यक घटना ना घटे। कमेटी के जितने भी जवान हैं, आपसे गुजारिश है, आप चाहे 2500 चाहे मुर्गा पड़ा हो, चारों तरफ जाल की तरह फैल जाइएगा। और हमारे खेल संरक्षक मिस्टर राफेल बोदरा जी का कहना है कि आप जवान भाइयों को जो भी काम सौंपा गया है बखूबी अपने काम को निभाने का प्रयास करेंगे। आप अगर काम को नहीं निभाते हैं तो अगले साल कमेटी के शोरूम से आपका पत्ता कट जाएगा। भैया याद रखिएगा इसको, ईमानदारी पूर्वक अपने काम को निभाने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, हमारे खेल संरक्षक महोदय श्रीमान राफेल बोदरा जी, आपसे ये गुजारिश करना चाहते हैं, आप जिन जिन भाइयों को जो काम दिया गया है वो काम को बखूबी निखारने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ जो भी दर्शक बंधु अपने साइकिल मोटरसाइकिल के साथ मैच का आनंद लेने के लिए आए हैं, आपसे भी गुजारिश है, आप अपना साइकिल और दो पहिया वाहन कमेटी के द्वारा बनाए गए स्टैंड पे ही रखिएगा, अन्यथा अगर आपकी साइकिल या मोटरसाइकिल गुम हो जाती है तो कमेटी किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई दर्ज नहीं करेगी। धन्यवाद दोस्तों। मोदरा जी, खेल का बताइएगा आप क्या स्थिति है इस समय, बताइए फाइनल मुकाबला है, 2-0 की लीड चल रही है, क्या आपको उम्मीद है ये टीम वापसी करेगी? जहां तक कहते हैं लोग कि छोटी सी सिटी जो है बड़ी सी हाथी को डिस्को डांस करा सकती है, बसरते शूट पर प्रवेश होनी चाहिए और कहीं ना कहीं कमजोरी वाली वो नस पकड़ में लानी होगी इस वक्त जमशेदपुर की एफसी को। और जहां तक पूरी तरह से पत्ता यहां पर साफ नहीं कह जाएगी, क्योंकि हमने कई सारे टूर्नामेंट्स में देखे हैं अंतिम लम्हों तक स्कोर में फौर बदल करी जा सकती है, ये मुमकिन है, ये फुटबॉल की जगत है। समय से पहले और भाग्य से अधिक आज तक किसी को सम्मान नहीं मिला है, इसके लिए हम भी उम्मीद मानते हैं, हमें भी मालूम है समय से पहले और किस्मत से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता बोदरा जी, लेकिन जिस प्रकार की दबाव झेल रहे हैं उस दबाव को अगर हैंडल कर लेंगे ये खिलाड़ी तो कहीं ना कहीं ये मुकाबला वापसी होगा। अच्छा साथ यहाँ पे एक बार जर्सी नंबर 14 के लिए बोल बनता हुआ, शानदार कटिंग के बाद बैकफुट कवर पास जिसे कहा जाएगा, एक बार डिफेंडर मागरा को सौंपी गई है ये बोल, फिर से एक बार जर्सी नंबर 7 आगे की ओर कटिंग, ये शानदार कटिंग, और एक बार फिर से मौका बनता हुआ जर्सी नंबर 11 के लिए किलोमीटर की रफ्तार से कृष्णा बोदरा बैक टू बैक तीसरा गोल। खेल मजा खत्म हो गया।
हाँ 11 नंबर जर्सी पहने कृष्णा बोधरा का ये लगातार दूसरा गोल खड़ा हुआ था ये तीसरा गोल सॉरी तीसरा गोल जी हाँ एजे ब्रदर्स उपनाम फैल जाओ हेलो अभी जो फाइनल मैच हो रही है एजे ब्रदर्स बनाम मिसान मुस्कान जमशेदपुर कृष्णा 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 एकदम से छा गए पारस की वो पत्थर की तरफ आकाश की कोई सीमा नहीं पृथ्वी का कोई तोल नहीं और कृष्णा का इस वक्त कोई तोल नहीं क्या लाजवाब प्रदर्शन अपने टीम के लिए और ये भी मैं बताते चलूं इस टीम के कप्तान है कृष्णा बोधरा 3 स्कोर एक हैट्रिक ली है इन्होंने अपने अलग अलग पैर का इस्तेमाल करते हुए एकदम थुरंदर एक मशीन की तरह उसकी पैर चलती है जिस तरह से करीब करीब महज 20 मीटर की रेडियस से गेंद को पॉपर्स की तरफ डाली थी वो ऊर्जा खपत करे हैं आखिरकार पूरी तरह से शिथिल अवस्था में हम देख सकते हैं टीम मिशन मुस्कान जमशेदपुर और इस गोल की रक्षा कर रहे इस वक्त मोटो महतो संकट मोचक विघ्नहर्ता के तौर पर एक भी गेंद चुकी नहीं अब तक जितने भी सीरीज इन्होंने खेली है फर्स्ट राउंड से लेकर अब तक एक भी गेंद इसके दास्ताने से स्पर्श होते हुए बाहर नहीं गई तो यकीनन इसलिए डिग्लर मुर्गा के स्वरूप एक टोकन प्राप्त कर सकते हैं अगर मुर्गा नहीं भी लाए हैं तो आप महज 200 रुपए भारी भरकम मैदान के पूर्वी क्षेत्र पर गेंद चली गई है हवाई मार्ग के द्वारा कोई भी दर्शक वो गेंद अवेलेबल करा देंगे प्रेम पूर्वक चलिए धन्यवाद इस वक्त मैं जिक्र कर रहा था कि महज 200 रुपए शुल्क अदा करके आप टोकन प्राप्त कर सकते हैं अगर लौकी ड्रॉ के थ्रू लौकी ड्रॉ के माध्यम से आपकी टिकट अगर निकल जाएगी तो हो जाइएगा बल्ले बल्ले भारी भरकम शरीर वाले ये बम्पर खस्सी आपको पुरस्कार स्वरूप दी जाएगी अगर किसी वजह से आप अब तक वंचित रह गए इस टोकन प्राप्त करने में काउंटर अभी तक खुले हैं आप टोकन प्राप्त कर सकते हैं महज 200 रुपए शुल्क चुका करके और आप इस खस्से का दीदार भी कर सकते हैं मैदान के सराउंडिंग एरिया में इसको घुमाई जा रही है आप देख लेंगे और फिलहाल एक पैनी निगाह इस गतिशील खेल पर मोटू मैं तो साथी खिलाड़ी को देने में थोड़ी सी असमंजस की स्थिति पर आखिरकार गेंद को हवाई मार्ग के द्वारा करीब करीब 40 मीटर का सफर तय कराए गेंद के साथ जर्सी नंबर 11 दूरी से ली गई है फट और इसके पहले भी मैंने चर्चा करके रखी थी कि चूहों के चमड़ों से कभी नगारे नहीं बनते मोट साटे कभी व्यास नहीं बनते और दूरी से अगर किस करेंगे तो मोटू के लिए कोई खास फर्क नहीं पड़ेगी विख्यात खिलाड़ी चर्चित खिलाड़ी मोटू मैं तो गोल की पोस्ट में अभी तक पूरी तरह से पासवर्ड लगाए जिस तरह से आप अपने स्मार्टफोन या फिर लैपटॉप में आप पासवर्ड लगाते हैं और पासवर्ड को अब तक क्रैक नहीं करी है अटैचिंग टीम इस वक्त जमशेदपुर मिशन मुस्कान एक मिशन पर आई है तो क्या ये मिशन इस वक्त विफल होगी अभी भी शेष समय है इस मिशन को सही दिशा में देने की बुढ़ी बड़ा गांव के नेल्सन पान सिंह आप अपने गाड़ी के पास चले जाएंगे आपका छोटी सी बच्ची कहाँ चले गई है आपका वाइफ कंप्लेन किया है आप यथाशीघ्र नेल्सन पान सिंह अपने गाड़ी के पास चले जाएं आपका बच्ची किधर चले गई खोज रही है धन्यवाद आपकी तमाम जो लाइन है सेंटर आपकी लाइन को
क्रॉस करते हुए मध्यांतर रेखा को आ गए टचिंग एरिया पर। तो क्या ये जाल ट्रैप यहाँ पर लगाई गई है, जाल अपने ही खेमे पर गेंद अधिकतम खेली गई है इस वक्त कुछ लम्हों के लिए। हाँ हेलो, और गेंद के साथ मांग रहा मीन्स गेंद को अपोजिट छोर पर, छोर को बदला इस वक्त छोटी पास लेकिन सठी की जगह पर मैन टू मैन पैरों से लेकर पैरों तक पास को डिलीवर। नन्हे सम्राट इस वक्त महज 1898 ग्रुप से बिलोंग करते हैं, महेश सबांगिरा। नए युवाओं का दौर है, यंगस्टर्स है, काफी फिटनेस रखते हैं। आप देख सकते हैं 1,50,000 रुपए की प्रबल दावेदारी इस वक्त ठोक दी है टीम एजे ब्रदर्स डी घोड़ा के टीम। शामिल बोधरा, शामिल बोधरा, और बना गेंद के अच्छे कलेक्टिंग यहाँ पर दो खिलाड़ियों को अपने साथ एंगेज रखा। अच्छी कलाबाजी, इसे कहते हैं कौशल, जो उम्र के साथ नहीं अभ्यास के साथ घरेलू मैदान पर डोमेस्टिक ग्राउंड पर काफी पसीने बहाए होंगे, तब पश्चात एक मंझे हुए खिलाड़ी का टैग इस पर के माथे पर लेकर जाएंगे। छोटी पास यहाँ पर उधेर गुल, एक जाल ट्रैप लगाने की कोशिश छोटे में, तो नाम है छोटे लेकिन कारनामे बहुत ही बड़े इस पर। 80 कवरेज यहाँ पर देखने को मिली है जस्ट नंबर 11 डिलीवर करेंगे, लंबी दूरी शूट आउट लेकिन मोटू तक गेंद ठीक से आई नहीं है। हैंडबॉल का इशारा मुख्य रेफरी के द्वारा लागत को समझते हुए अविलंब गेंद को रेफर किया छोटे मैचों के लिए। और जस्ट नंबर 7 क्या कलाबाजी यहाँ पर छा गए गुरु, आप इतने सारे दर्शक प्रेम पूर्वक जगमगाते टिमटिमाते तारों की तरह इस रेस का दीदार कर रहे हैं। हमारे लिए आप अमूल्य धरोहर की तरह है, आप कोटि कोटि नमन के पात्र हैं, आपका हमेशा से कल्याण से पूरी बड़ा रही रहेगी अपने बहुमूल्य समय इस मैदान के व्यतीत करने के लिए। गेंद के साथ कृष्णा कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा, लेकिन ठीक तरह से गेंद को समानांतर साथ अच्छे पोजिशन पर जचिन खड़े थे, छोटी सी आवश्यकता थी ठीक तरह से वाईफाई की रेंज जो है दूरी ज्यादा पड़ गई, रेडियस में नहीं आई जस्ट नंबर 7 पर। कटप्पा मामा राइट डिफेंसिव हाफ के खिलाड़ी अच्छी जगह पर पास दिए हैं, लेकिन इसी सीना छत्ती का दौर में आई है मांगरा मिल्स के पास, समानांतर ब्लास्टिंग पास अवेलेबल कराई गई है मांगरा मिल्स। 19 के दशक के वो चर्चित खिलाड़ी, अपने जमाने में विख्यात खिलाड़ी रहे हैं, अब रिटायरमेंट की उम्र में भी इतनी उम्दा किस्म के प्रदर्शन आप मांगरा मेंस की देख सकते हैं। अजवा थोड़ी से सरेंडर देखने को मिलते हैं मांगरा मेंस की, चेहरों पर हल्की सी मुस्कान, गलतियां जरूर हुई है, इंसान जो है गलतियों का कठपुतली है, कभी कभी चाहते हुए ना चाहते हुए अनायास ही गलतियाँ हो ही जाती है, लेकिन गलतियों को स्वीकारना आपकी इंसानियत आपकी महानता को दर्शाती है। जैसे लंबे कद काठी के ऊर्जावान खिलाड़ी, औसत दूरी 10 मीटर, पावरफुल शूटिंग, एक रॉकेट की तरह तीर की तरह दबाते गेंद पापोस की तरफ गई थी, गहरी सांस दिल की धड़कन कुछ लम्हों के लिए। अभी आए हैं कृष्णा, लेकिन कटप्पा मामा अब तक कंस मामा रोकने में सफल कृष्णा की इस गति को, इसलिए जोक सपाट खिलाड़ियों के एक्साइटमेंट को बनाते हुए और मनोबल को बढ़ाने के दरमियान हम कई सारे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, कई सारे सेंटेंस अनायास से हम किसी विशेष टीम को ठेस पहुंचाना हमारे कोई कर्तव्य नहीं है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हमेशा से रहूंगा अगर थोड़ी बहुत त्रुटियां हमारे शब्दों पर लहजों पर आती हैं।
अपने फर्स्ट हाफ में सिटी आते हुए और विराम और नतीजे आपके सामने एकदम स्पष्ट शीर्षक की तरफ साफ प्रथम पाली की मैच बेहद उमदा किस्म की खेलती हुई टीम ए जबरदस्त छोड़ बदली गए हैं दोनों दलों का गाना मास्टर एक बार बजा दीजिए गाना मास्टर मध्यांतर हो चुका है गाना मास्टर आप गाना चालू कर दीजिए जल्द से जल्द गाना चालू कर दीजिए वहीं पर है जहां पर था गाना मास्टर और मंच के आगे जितना भी दर्शक है आप लोग डाउन हो जाए इस वक्त नृत्य मंडली का एक डीजे की धुन में इस रंगमंच को पूरी तरह से सरोवर कर दिए है अपने नृत्य कला से। जी हां दर्शकों, जो जो दूर में है दर्शक वो सामने आके शाम को देखेंगे। प्राइज वितरण में आपको एक से एक डांस आपको देखने के मिलेगा। इन हसीनाओं का आपको शाम को भी आपको दिखाई जाएगी। फाइनल पुरस्कार वितरण समारोह में आप नजदीक से रूबरू हो पाएंगे। धन्यवाद। चलिए अब क्या बाजी पलटेगी इस वक्त। अधिकतम गेंदें जो इस वक्त कृष्णा को अवेलेबल कराई गई थी, लगातार कप्तान का भरोसा इस कृष्णा पर और अब तक भरोसे में खड़े उतरे भी है कृष्णा बोधरा। और लगातार 20 तारीख से लेकर 7वें दिन तक एक सीरीज खेल की चली आ रही है और जिनमें थॉमस वाईफाई अवेलेबल थे, जिन्हें लम्हों के दरमियान एक एक लम्हों को अपनी आंखों में कैद कर रहे हैं। और मैं इसी वजह से इस 4 दिनों के अंतराल में अवेलेबल नहीं हो पाया। आज फाइनल डे में सुपर संडे वाले दिन में बतौर मुख्य कमेंटेटर हमें निमंत्रण दी गई है। सहर्ष स्वीकार करते हुए आज आपके इस ऐतिहासिक मैदान पर आप हमें सुन सकते हैं आपका अपना जटा बोधरा। और इसी तरह एक लगराती कदमों के साथ जीत की वो सुनहरे चाबी की तलाश में इस वक्त हम देख सकते हैं बिशन मुस्कान जमशेदपुर की टीम। कलाबाजी देखने को मिली समानांतर पास में एक रन से निकली बुलेट की तरह पॉपअप की तरफ गेंद को डाली। आखिरकार एक स्क्रीन पर यह गेंद बाउंस होती हुई अब तक सुरक्षित अवस्था में तीन ऑटो मैचों इसलिए इससे जुगलबंदी में जोड़ना चाहूंगा इस वक्त हमारे आदरणीय बड़े भाई थॉमस वाईफाई जी। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद जटा बोधरा। आज फाइनल पर नीलकमल मातो और जटा बोधरा को आमंत्रित की गई थी कल्याण मंच बुढ़ीगुड़ा की ओर से। मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा आपको। फोन के माध्यम से कॉन्टेक्ट हुए थे 20 तारीख को, कुछ कारण संपर्क या आ नहीं पाए हैं और आज आपका जो मधुर वचनों के साथ नीलकमल मातो जटा बोधरा अच्छी भूमिका निभाए हैं। 20 तारीख को शायद लगातार 4 दिन
कमेटी के तहत निभाए थे ये, उस कारण गले में खिचखिच होने के बावजूद जो बोलने के टाइमिंग जो तजुर्बा थी आपको लगता है कि खराब हो रही है, इस कारण जिक्र नहीं किए हैं, लेकिन एक बार दिए हैं तो अच्छी है। पुनः एक बार सबसे अधिक गोल दागने वाले खिलाड़ी एजे ब्रदर्स 20 दिसंबर को 3 गोल दागे थे चौथे क्वार्टर फाइनल, उनका अगर स्कोर देखा जाएगा 6 गोल, अगर एक गोल करते हैं तो राजीव मार्डी यानी उनकी टीम थोड़ी बहुत अपसेट नजर आ रही है। ये वनडे फुटबॉल टूर्नामेंट के तहत है, बने रहते हैं, आपके पास जो उम्मीद है वही उम्मीद बनाई रहिए। मैच में हार जीत लगे रहती है, आज का हार कल का जीत होगी। अभी तक आपके ऐसा वनडे फुटबॉल टूर्नामेंट पर अगर जिक्र किया जाएगा तो सबसे पहले लट्ठू राव पर 2007 पर शिरकत की थी बड़े टूर्नामेंट में, यानी 9 क्लास पर जो मैं स्टूडेंट के तौर पर बने थे बड़े टूर्नामेंट, लट्ठू राव सिरसा पर पार्टिसिपेट किए थे, और इस तरह का इतने दूर दराज से आए थे खिलाड़ी, या पर चाइनीज खिलाड़ी भी आए थे, 3 खिलाड़ी छत्तीसगढ़ कोरबा के टीम से आए थे, और ये रवि इस तरह का नाम थे, लेकिन आज कहीं ना कहीं किस्मत खराब, और इस किसी किस्मत को अपने टीम के लिए कहीं ना कहीं अपने किस्मत को जो तकदीर है उनको अपने टीम पर जो 3-0 से जो पिछड़ रहे इस 3 गोल के अंतर्गत को घटाव कर रहे थे। नील कमल जी कुछ नहीं होगा भैया, किस्मत का फंडा है, जब किस्मत खराब हो तो आपके सभी खिलाड़ी शिथिल पड़ जाते हैं, और इस प्रकार का जलवा इस मैदान पर घटता हुआ इस समय पूरी तरह से हावी है, 3-0 की बढ़त बनाकर खेल रहा है। गोदरा जी आप जरा बताइएगा क्या बचे हुए समय में ये टीम वापसी कर पाएगी? चलिए मुमकिन है, अगर जमशेदपुर जैसे टीम इस समय पार्टिसिपेट कर रही है तो एकदम से मुमकिन है, लेकिन इस वक्त अगर निश्चित तौर पर स्पष्ट तौर पर जो दूरी से लीजिए है अधिकतम शॉट आउट वापस की तरफ, अगर करीब से शॉट करेंगे तो कहीं ना कहीं आप सकमा दे सकते हैं इस वक्त मोटो मैटो, एकमात्र लीजेंड प्लेयर गोलकीपर के तौर पर और उतनी आसानी से अपने जाल में फंसाना मोटो मैटो को लगभग नामुमकिन है। के ब्रदर्स तैनात है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। एक कभी कुछ अलग प्रकार के जो टीम एजे ब्रदर्स पहला दिन फर्स्ट राउंड पर फर्स्ट हाफ पर एक गोल खाए थे, किस्मत और तकदीर की अगर बात कहा जाएगा एक गोल खाने के बाद फर्स्ट राउंड पर सुप्रिया स्पोर्टिंग सरायकेला के खिलाड़ी को बेहतरीन गोल दागे थे जर्सी नंबर 6 छोटे माथो, और इस मैच का एंड अप किए थे जर्सी नंबर 8 महेश बांकेरा। इस समय पिछले साल सेमीफाइनल हार का सामना किए थे डेंजर क्लब के टीम से यानी बम बम बोलने के टीम से, और आज कहीं ना कहीं जुड़े हैं भी बची टीम के खिलाड़ी भी इस तरह का जो वनडे फुटबॉल टूर्नामेंट के तहत 3-0 से हार रहे हैं। चलिए बच्चा कुसा समय पर आपके टीम के लिए इस 3 गोल के अंतर्गत को घटाव कर सकते हैं, एक गोल भी बहुत मायने रखती है बड़े टूर्नामेंट है, ये 1.5 लाख यानी 80,000 पर दोनों टीम खेल रहे हैं अभी, 80,000 हारेंगे भी तो 80,000 मिलेगी और जीतेंगे तो 1,50,000 यानी 1.5 लाख। कहते हैं पैसे के पास जुबान तो नहीं है लेकिन बोलता बहुत कुछ है। आतुना से एजे ब्रदर्स आप नहीं समझ रहे हैं शॉर्टकट बता देंगे, अमरजीत ब्रदर्स हमेशा अमरजीत से ब्रदर्स बड़ी गुड़े के टीम मैनेजर है, पिछले साल भी संगमरमर एफसी इन्हीं टीम इन्हीं खिलाड़ी नजर आए थे, और विपक्षी टीम मिशन मुस्कान जमशेदपुर की अगर बात कहा जाएगा तो 2017 पर फाइनल पर शिरकत की थी engineer.com चिकपनी की टीम, और सबसे अधिक गोल दागे थे राजीव मार्डी, और आज कहीं ना कहीं हर रेफरी संचालक खिलाड़ी में साथ चेंज ठीक है, पिछले साल अच्छे अच्छे गोल दागे थे, सबसे अधिक गोल दागने वाले खिलाड़ी राजीव मार्डी, मोहित सुबोडी के खिलाड़ी टेपू यानी संजय टूडू, तीसरा खिलाड़ी के बने थे आप गुरु अनिल जोंको, और चकदरपुर क्षेत्र का नंबर 1 टीम इस टूर्नामेंट से पूरे हारे थे, लेकिन इतने बड़े टूर्नामेंट पर आज फाइनल के करीब पहुंचे हैं, और एक मेहमान टीम और एक
मेजबान टीम के साथ इस तरह का संघर्ष का मुकाबला बीच मैदान के इधर जो मैच संचालक रेफरी के तौर पर संजय सामट आज बेहतरीन अंदाजों पर निभाए हैं। ठाकुरा मुर्मू, बिरजू और निशांत ठटेरा रांची उड़ीसा से लेकर के बड़बिल यानी आज चुनू सिंह को अगर बात कहा जाएगा आज कुछ कारण फुटबॉल टूर्नामेंट पर शिरकत नहीं की है। चार दिन काफी अलग अंदाजों पर निभाए थे और पब्लिक का डिमांड थी कि फाइनल में चुन्नू सिंह के द्वारा मैच संचालक होने की उम्मीदें आई थी। ये अच्छी बात है। के ब्रदर्स चलेंगे जो आज दर्शक जुड़े हैं पुनः पर इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूंगा तमाम खेल के भक्तों को श्रोताओं को स्पोर्ट्स लेकर के कल्याण मंच पर जुड़े हैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। इसी तरह से आपका जो सहयोग है ना बोले आपका सहयोगी आने वाला वक्त का और कल्याण बुढ़ी बड़े का बहुत बड़ी ताकत है। बातों पर बोलते ना जहर उनके दांतों पर नहीं बातों पर है। बहुत बहुत धन्यवाद सोनाराम जी, आप इस परिवार का बहुत बड़ा सदस्य है और इस तरह का मौका 5 साल से निभाए हैं, 7 साल से यानी 5 साल से 2017 से निभाए, आपका भी स्वागत है सोनाराम चाचा जी। बहुत बहुत धन्यवाद थॉमस भाई, याद रहे जबरदस्त मुकाबला चलता हुआ और ये बिल्कुल थॉमस जी आपका कहना प्रदेश और ये और सुंदर तरीके का ये हवाई शॉट बाईसाई के और चलता हुआ खराब दिशाहीन शॉट कहा जाएगा जिसे साइड आउट लाइन के बाहर जाते हुए ऑपरेटर थोड़ा सा फाइनल में चल रही है आवाज थोड़ा बढ़ा दीजिएगा, आवाज थोड़ा सा बॉक्स का ठीक है मैक्रो का बढ़ा दीजिए ऑपरेटर। अच्छी खेल चलता हुआ बीच मैदान पर दोनों ही दल 3-0 की बढ़त के मुकाबले 0-3 का ठटेरा झेलते हुए तो थॉमस जी आप क्या कहना चाहेंगे ऑपरेटर थोड़ा सा जो है आप अपना जो है अभी ठीक है थोड़ा इको लगा दीजिए। जी हाँ थॉमस जी आप भी अपने जमाने के मशहूर खिलाड़ी थे गंजर कला वासन तलिया के, आपको मैं ये बोलना चाहूंगा क्या ये मैच बराबरी पर आएगा आप जरा अपना उत्तरदायित्व निभाइएगा। जी बिल्कुल नहीं कमल, ये बहुत बड़े अच्छा वर्ड का टाइमिंग किए हैं, अपना टीम पर तो बराबरी पर नहीं ला सकती है लेकिन 3 गोल की अंतर्गत को घटाव कर सकती है एक या दो पर बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही कमल जी आपका अनुभव इन्हें काम आएगा इसीलिए दुनिया कहती है दोस्तों दुनिया माने जोरों को कोई ना माने कमजोरों को बराबरी का ये खेल चलता हुआ शानदार पास यहां से फिर से एक बार 160 किलोमीटर की रफ्तार से ये शॉट गोलकीपर के ऊपर से निकलता हुआ और इस बीच हमारे बड़े भाई हमें हमारे सहयोगी के रूप में सोना भाई आप भी कुछ बताइए खेल के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे कमेंटेटर साथी, अभी तक मैच पीला जर्सी में चल रहा है उन लोग 3-0 का जो बढ़त बना चुके हैं उसी से प्रेशर बढ़ा हुआ है हमारे टाटा स्टील के प्लेयर बंधु का प्रयास है कहीं ना कहीं 1-2 गोल जरूर ये लोग कर सकते हैं जैसे खेल रहे हैं। खेल के दरमियान ही ये समझ में आता है और ये सुनाना मौका हो सकता है लेकिन जबरदस्त अगर मार आ रही है बहुत एक बार खतरनाक शॉट यहाँ पे कॉर्नर आउट लाइन के बाहर जाते हुए दंडाना का मैच लेकिन कहीं ना कहीं प्रेशर के कारण जो है जो शॉट कहीं ना कहीं दर्शक श्रृंखला में हम दर्शकों के यहाँ पर अब इस समय अभी अभी हमें ये जानकारी मिली है इस मैदान पर उपस्थित तमाम जो दर्शक हैं और ये खतरा बाहर ऐसा ऐसा गोलकीपर थोड़ी गोला में उपस्थित है लेकिन 6 नंबर भी कम नहीं है और बंधन आता हुआ नीचे छोड़ के और ये लंबा पास का किक का नजारा
देखिएगा एकदम छकाछक। आज का मैच में 20,000 लोग उपस्थिति अपना दर्ज किए हुए हैं, 20,367 दर्शक यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद साथी कमेंटेटर भाई। और ये आज का महामुकाबला कल्याण मंच पूरी गोला में अंतिम मुकाबला चलता हुआ, और ये कहना जमशेदपुर का प्लेयर ने साथी प्लेयर को देते हुए आज का हमारे मुख्य अतिथि भी देश का आनंद लेते हुए श्रीमान सुखराम उरांव जी मंच पर जो है मैच का आनंद लेते हुए, कभी उन्होंने भी लट्टू उरांव का जो है ऐसा ऐसा आयोजन किया था। और ये जबरदस्त, और ये क्या है थोड़ा बता दें, हमारे बीच जो उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि सुखराम उरांव का भी परिचय मैं आपसे करवाना चाहूंगा। हमारे ये गोल का नजारा है तो आप लोग थोड़ा सा इधर भी देते रहिए। ओ बाजा मास्टर चक्रधरपुर, इधर इधर इधर, बाजा चालू और हंगामा चालू रहेगा। सुखराम उरांव के राज्य में ऐसे ऐसे होता है। याद रहे बाजा मास्टर गाना चालू, जबरदस्त हंगामादार के बीच साथ में हमारे लंटू ब्रदर्स अविनाश पुर्ती मुखिया श्री मंजू श्री तियो और सिलपोड़ी पंचायत के मुखिया श्री मेलानी बोदरा जी और हमारे विधानसभा के विधायक। थोड़ा सा ये लास्ट मैच है, बहुत बड़ी मैच है। यहाँ पर जो हारेगी जो टीम 1,80,000 जट्टा बोदरा जी, बहुत बड़ी 70,000 का डिफरेंस है। वाकई इस वक्त जो टीम इस समय हारेगी सिमट कर रह जाएगी 80,000 की वो टोटल अमाउंट पर, तो क्या सेटिस्फाइड होगी इस 80,000 की राशि पर। क्रम में 3-1 की असमानता यहाँ पर बनी हुई है, फाउल की स्थिति आई है मुख्य रेफरी की, और कहीं ना कहीं हाफवे लाइन के आसपास ये शूटआउट मैदान के अभी हाथ से करे जाएगी छोटे में तो इस शूटआउट करने के लिए। मैं आग्रह करना चाहूँगा हमारा आदरणीय परमादरणीय बड़े भाई श्री राफेल बोदरा जी, आप कहेंगे चंद लफ्ज इस मैच के दृष्टिकोण। एक गाड़ी है, गाड़ी संख्या है OD09A7915। इस गाड़ी वाहन के ड्राइवर से कहना चाहूंगा कि वहां पर गाड़ी आगे पीछे फंस गया है, आप अपना गाड़ी अन्य जगह लगा लेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद ऑपरेटर, मजाक कर रहे था, बात करने का टाइमिंग थोड़ा ठीक कीजिए, माइक्रो को बढ़ाइए, ये फाइनल में चल रहा है, ऑपोस का थोड़ा सा बढ़ाइए ऑपरेटर। और फुटबॉल के श्रोता भक्तों को गाड़ी नंबर OD09A79, रुकिए एक मिनट, 7915 सुना एक बार सुनेंगे ध्यान से, गाड़ी नंबर बोलेरो 4 चक्का यानी बोलेरो लिखा हुआ है, ठीक है ओके, गाड़ी नंबर 0D09A
7915। आप अगर इस मेले पर तमाम दर्शक जुड़े हैं और फुटबॉल के भक्त भी जुड़े हैं, तमाम सौरभ अगर 5 मिनट का समय दी जा रही है, अगर थोड़ी सी लापरवाही करेंगे तो आपका गाड़ी का हवा खोल दी जाएगी। ऑपरेटर थोड़ा सा ठीक करेंगे माइक्रोफोन, माइक्रो का ठीक कर लगे, चलिए परिचय करा दूंगा। शॉर्टकट हेलो, परिचय देना चाहूंगा। निशान मुस्कान जमशेदपुर, 21 दिसंबर को इस कल्याण मंच बुरीगुड़ा पर बेहतरीन मैच खेले थे। टीम कैप्टन अभी तक उनके गोल आई है 2 बेहतरीन गोल। शुक्ला हेमरम जर्सी नंबर 11, वासित बेसरा जर्सी नंबर 1 पर है, गोबर गगरई जर्सी नंबर 5, राज मारजी जर्सी नंबर 4 पर बने हैं, परशुराम गोमेश जर्सी नंबर 13, संजय मुर्मू मिडफील्डर की खिलाड़ी अच्छे गोल लागे थे, उनके अकाउंट में भी 1 गोल आई है, रामचंद्र मुर्मू जर्सी नंबर 9 पर रही है, राजीव पांडी सबसे अच्छे खिलाड़ी है, ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट से शिरकत करती है, ऑल इंडिया फुटबॉल यानी यहाँ नहीं करती है, मुंबई से लेकर के पटना तक इनका अगर जिक्र किया जाएगा, एक नाइट गेम ऑल इंडिया में मुलाकात हुई थी और अच्छे मैच खेले थे। और लुम्बी मार्गी अभी तक 2 गोल दागे हैं, लुम्बी मुर्मू जर्सी नंबर 12 पर बने हैं, नंदू हाजदा। और इस मैच का जो हेलो संचालक कर संजय समाज, ये मनापुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत एक अपने जमाना पर उनका जो पहचान है कुछ अलग अंदाजों पर, कई हर टूर्नामेंट कुछ ऐसे लेकर के चैबासा ले। तो पुनः एक बार एजे ब्रदर्स अगर टीम की अगर बात करें, टीम कैप्टन 6 गोल कृष्णा बोधरा, और अपना होम ग्राउंड पर मैच खेल रहे हैं, मोटू कीपर का भूमिका निभा रहे हैं, शत्रुघ्न माथुर जर्सी नंबर 2 पर बने हैं, मंगरा भी जर्सी नंबर 3, छोटे लाल उन्हें बेहतरीन गोल दागे थे, मिडफील्डर खिलाड़ी नाम छोटे हैं खेल बड़े बड़े, महेश इस टूर्नामेंट का अच्छे खिलाड़ी है, विजय जर्सी नंबर 12 पर बने हैं, करण जर्सी नंबर 4, भीम युवा खिलाड़ी जर्सी नंबर 7। टीम की अगर बात कहा जाए इस समय अजय ब्रदर्स ये मुंबई तक सुब्रतो कप से लेकर के नेशनल खेला हुआ खिलाड़ी है, भीम जर्सी नंबर 7, अशोक जर्सी नंबर 9, रांची से लेकर के बिरसा मुंडा 15, 3 नाइजीरियन खिलाड़ी के साथ बेहतरीन मैच खेले हैं और सेमीफाइनल पर भी बेहतरीन गोल लगे हैं, और अमर जर्सी नंबर 15। कमल जी आपका स्वागत है, 20 तारीख से जो जिक्र किए थे, धन्यवाद।